कपकोट के नवनिर्वाचित विधायक सुरेश गड़िया की जीत के उपरांत कांडा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त करते हुए मिष्ठान वितरित किया। कार्यकर्ताओं ने कांडा क्षेत्र के मतदाताओं तथा जनता का सहयोग के लिए आभार जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुरेश गड़िया की जीत के उपरांत कांडा क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकेगा। कोई नहीं है टक्कर में। हमारा विधायक कैसा हो? सुरेश गड़िया जैसा हो। सुरदा तुम तो मक्खन निकले, बाकी सारे ढक्कन निकले। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, एक बार पुनः आपने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और परचम वोटों से हम लोग यहाँ पर विजयी हुए। और एक बार मैं पुनः इस क्षेत्र में भी जो हमारे प्रत्याशी सुरेश गड़िया जी थे वो भी यहाँ पर अच्छे वोटों से यहाँ पर विजयी हुए और हमें आशा है कि वो आने वाले समय में हमारे इस कांडा क्षेत्र और कपकोट विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास करेंगे। और हम सभी को यहाँ पर एक साथ पुनः हम सभी लोग आप लोगों को यहाँ पर बधाई देते हुए और सभी को मंडल अध्यक्ष आनंद भोला जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आज सम्मिलित हुए और हम सभी एक बार इस प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पर एक बार पुनः धन्यवाद प्रेषित करते हुए एक बार पुनः उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए हम प्रयास जरूर करेंगे। आज उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव के परिणाम यहाँ पे आए हैं तो उसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने विधानसभा कपकोट के समस्त कार्यकर्ताओं का और कांडा कमसार मंडल के अपने जितने भी पदाधिकारी हैं, अपने मंडल के उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है और मंत्री समस्त सहित और अपने कांडा कमसार मंडल के जितने भी हमारे बूथों के अध्यक्ष हैं, बीएलए हैं, पालक हैं और शक्ति के इनके संयोजक और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कांडा कमसार में जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता है उन सबको मैं इस प्रचंड बहुमत की जीत के लिए आपको सबको सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप लोगों को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने जिस प्रकार से रात दिन एक करके मेहनत करके आप लोगों ने इस कपकोट विधानसभा से अपने प्रत्याशी के रूप में जो सुरेश गड़िया जी थे उनको प्रचंड बहुमत से आप लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है इसके लिए भी मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार हमारे सभी मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर विश्वास किया और अपने उत्तराखंड सरकार पर विश्वास किया, उनकी योजनाओं का जिन्होंने पूरा उत्तराखंड सरकार ने जो प्रत्येक व्यक्ति को योजना दी उसका पूर्ण लाभ उनको मिला, उसी पर विश्वास और आस्था जताते हुए हमारे समस्त देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी का मलपूल के निशान को एक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। और मैं अपने इस विधानसभा के समस्त क्षेत्र पंचायत, समस्त प्रधान और जितने भी हमारे इस मंडल के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, पितातुल्य के रूप में जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनको नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और आप लोगों ने जिस प्रकार देश में एक आर्मी का जवान जिस प्रकार अपने शपथ लेकर इस देश की रक्षा के लिए अपने बॉर्डरों में काम करते हैं, उसी प्रकार हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी क्षेत्र की जनता के बीच में एक संगठन को मजबूत करने के लिए एक शपथ लेकर वो जनता के बीच में रहता है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है एक सच्चे सिपाही की तरह इस अपने क्षेत्र में जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहता है। और मैं नमन करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं का और दमन करता हूँ, अपने धन्यवाद करना चाहूँगा अपने केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का और मैं बधाई और धन्यवाद भी दूंगा। CCN न्यूज के लिए कांडा से पंकज दशीला की रिपोर्ट।